अमृतसर के अटारी बॉर्डर तो शुरू होकर गुजरात के केवड़िया तक मोटरसाइकिल रैली कढ़ी जा रही है। BSF के दो टुकड़िया वालों बुलेट मोटरसाइकलों से पंजाब राजस्थान होंदे हुए 11 अक्तूबर को गुजरात के केवड़िया च जाके यह रैली समाप्त होगी। इस रैली का उद्देश्य आपसी भाईचारक सांझ नूं कायम करना और BSF प्रति नौजवानों नूं उत्साहित करना दस्या जा रहा है। जलालाबाद के BSF सैक्टर विखे 182 बटालियन के वलों इस रैली का गर्मजोशी नाल स्वागत किया गया। जी, मैं इंस्पेक्टर हिमांशु सरोही सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम की टीम कैप्टन हूँ। हमारी टीम पूरी वुमेन की टीम है। आपने इस टीम को राजपथ पर भी देखा होगा। इस वर्ष हमने राजपथ पर भी परफॉर्म किया है। ये जो रैली हम कर रहे हैं ये 2 अक्टूबर से, जैसा कि सर ने बताया, 2 अक्टूबर से शुरू हुई है, 11 अक्टूबर को यह रैली ख़त्म होगी। 2160 किलोमीटर की ये रैली है। इसके दौरान हम दो चीज़ें, एक पेट्रियटिज्म और एक फ्रेटर्निटी, यानी कि देश भावना और भाईचारा, इनकी भावनाओं को हम देशवासियों के बीच जगाना चाहेंगे। इस रैली का यही उद्देश्य है। और युवाओं को, महिलाओं को और पुरुषों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है, वो किस तरीके से फंक्शन करती है, इसके बारे में इस रैली के द्वारा बताया जाएगा। हम बीच में कई सारे स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, NCC कैडेट से भी मिलते हैं, उनको आकर्षित करते हैं कि वो यूनिफॉर्म की तरफ बढ़ें और आकर्षित हों और इसको पहने और देश को गौरवान्वित करें। जी, मैं इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, BSF की टीम जानबाज का टीम कैप्टन। पहले तो पूरे देश से मैं जय हिंद बोलना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर को गांधी जी को हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके और ये रैली शुरू की है, जो अटारी से चल करके और केवड़िया गुजरात तक जानी है। इस रैली का मेन मोटिव है देश के नागरिकों के बीच देश प्रेम की भावना को जागृत करना, युवाओं के बीच नशा मुक्त भारत का उद्भव कराना और ज़्यादा से ज़्यादा BSF के तरफ आकर्षित करना। चूँकि BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर रही है, तो हम युवाओं से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा BSF को ज्वाइन करें, क्योंकि ये 2400 घंटा 365 दिन अपने आप में एडवेंचर से भरी हुई है। 182 के तरफ से अवधेश कुमार ट्वाइसी, जवाज टीम जो हमारी BSF की है, 2 अक्टूबर जो अटारी बॉर्डर से स्टार्ट किया है जर्नी और केवड़िया में 11 तारीख को पहुंचेंगे वहां पे। मैं उनका जलालाबाद लोकेशन में कमांडेंट 182 के तरफ से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और साथ में जो इनका मोटिव लेके चले हैं सारे रास्ते में BSF के बारे में लोगों को जागरूक करना, यहाँ के जो पंजाब के नवयुवक हैं उनको नशा मुक्ति और BSF के बारे में उनको जानकारी देना, BSF में कैसे भर्ती होता है उसके बारे में जानकारी देना। उन्होंने अटारी से शुरू किया है और सभी जगह रुकते हुए ये सारे मैसेज देते हुए केवड़िया जाएंगे। मैं यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ में बेस्ट विशेष देता हूँ कि यहाँ से वो अच्छी तरीके जाएँ और सब जगह BSF का मैसेज देते रहें। जय हिंद, जय भारत।